हेलो बच्चों, मैं आशीष मिश्रा अभ्युदय जेई मैथमेटिक्स की क्लास में पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट टाइम पर हम लोगों का जो डिस्कशन चल रहा था बच्चों, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन दी कोफिशिएंट्स एंड रूट्स जो है वो पता कर लिया था। साथ ही साथ कुछ कंडीशंस भी पड़ी थी कि रूट का बिहेवियर कैसा होगा अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म के बीच में क्या रिलेशन हो कि उनके रूट आपस में किसी रूल से कनेक्टेड हो। आज उसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। कुछ और प्रॉब्लम है के और इसको ओपन खत्म करने के बाद में वी विल स्टार्ट विद दी जेई लेवल प्रॉब्लम्स जो कि लास्ट ईयर में डिस्कस किए गए हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आपके आए हुए हैं, उनको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बेटा, सबसे पहली प्रॉब्लम तुम्हारे सामने है कि फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो द कंडीशन दैट वन रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर। देखो बेटा, हमें कंडीशन निकालनी है और कंडीशन क्या है, हमसे कहा जा रहा है कि वन रूट जो है इट इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। देखो बेटा, इसका मतलब ये हो गया कि वी नीड टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लिखा कि लेट द रूट्स बी अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर। ये तो है ना भाई, कह रहा वन रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर। अब देखो, कंडीशन निकालने के लिए मेरे पास में सिर्फ वही दो जा रहे हैं, वी विल यूज अ फॉर्मूला फॉर सम एंड फॉर्मूला फॉर द प्रोडक्ट, और सम और प्रोडक्ट निकालने के बाद में वी कैन फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। आइए जरा देखते हैं किस तरीके से। तो बेटा, सबसे पहले हमें पता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो सम का फॉर्मूला होता है, इसे बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, दिस इज माइनस बी अपॉन ए, एंड द प्रोडक्ट इज अल्फा बीटा, दिस इज सी अपॉन। अब देखो बच्चों, बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, तो यहां पर एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट अल्फा स्क्वायर है, इसका मतलब बीटा की वैल्यू अल्फा स्क्वायर है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए। बेटा देखो, इसके जब मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा अल्फा क्यूब इज इक्वल टू सी अपॉन ए। लेकिन बेटा जरा देखो, जो आंसर रिक्वायरमेंट है, मेरे मन में आ सकता है कि यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल के यहां पे रख दें, और अल्फा की वैल्यू जब यहां से निकाल के यहां पे रख देंगे तो रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा। लेकिन जरा बेटा आंसर को ऑब्जर्व करो, आंसर में कहीं भी ए बी सी किसी पर भी पावर सर्ड में नहीं है, मतलब 1/2, 2/3 वगैरह पावर नहीं है। इसका मतलब हमें कुछ अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। तो देखो बेटा, क्या कर सकते हैं, यहां पर आपके सामने अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर लिखा हुआ है, हमको अल्फा क्यूब की वैल्यू पता है, तो कैन वी इंट्रोड्यूस अल्फा क्यूब दिस साइड, यस। तो क्वेश्चन उठता है किस तरीके से करें, तो बेटा मैंने दोनों तरफ क्यूब कर दिया, जब क्यूब किया तो मेरे सामने कितना आ गया अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का होल क्यूब इक्वल्स टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, क्योंकि बेटा इसका होल क्यूब करेंगे तो माइनस का क्यूब क्या हो जाएगा माइनस वन, और बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, ठीक है। देखो बेटा जरा, इसका होल क्यूब बोलो कितना आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, और ये किसके बराबर आ गया बेटा, ये बराबर आ गया माइनस बी क्यूब अपॉन में ए, ठीक है। देखो भाई, अब फिर मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूं, अल्फा क्यूब की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा सी अपॉन ए, ये अल्फा क्यूब का होल स्क्वायर लिखा है, तो हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर,
थ्री अल्फा क्यूब, अल्फा क्यूब कितना हो 3ca/a, और बेटा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर ऑलरेडी यहां पर -b/a लिखा है, यहां पे -b/a और इक्वल टू कितना आ गया -b³/a³। देखो बेटा क्या करना चाहिए, आंसर में कहीं भी डिनोमिनेटर मौजूद नहीं है, यह a² a³। व्हाट विल वी डू, पूरे एक्सप्रेशन को a क्यूब से मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ca² + c²a -3abc = -b², मतलब आ गया ca² + c²a + b³=3abc। और बेटा देखो इन जो आंसर हमारे सामने आया है, इन तीनों में से कौन सा आंसर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो मुझे दिखाई पड़ रहा है कि ca² ac² b³=3abc, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आशा करता हूं आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम थी, एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। तो आप लोगों ने सीख लिया कि किस तरीके से हम लोग रूट के बीच में रिलेशन दिया होगा और एबीसी की किन वैल्यूज के लिए वो रिलेशन फुलफिल होगा, हम लोगों ने यहां पर उस चीज को सीख लिया है। आइए बेटा, अगर समझ में आ रहा है आप लोगों को तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने वही दिया हुआ है कि द इक्वेशन सेम है, अब कह रहा वन रूट इज आर टाइम्स ऑफ द अदर। देखो भाई आर टाइम्स ऑफ द अदर का मतलब क्या हो गया, अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा बेटा, आर अल्फा हो जाएगा ना, क्योंकि क्या कह रहा है आर टाइम्स ऑफ द अदर। अब जरा देखो सम ऑफ द रूट कितना हो जाएगा, तो कहोगे सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस आर अल्फा, ये क्या होगा -b/a। बेटा प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा इंटू आर अल्फा इज इक्वल टू c/a। देखो भाई यहां पे अल्फा कॉमन आ गया 1 + r = -b/a, और यहां पर आ गया r अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू c/a। अभी क्या करना चाहिए भाई, बेटा यहां पर अल्फा है, यहां पे अल्फा स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर दो, अल्फा स्क्वायर इंटू 1 + r² = b²/a² और ये बेटा लिखा हुआ है r अल्फा स्क्वायर डिवाइड कर दो, देखो अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, हमारे पास में कितना आ गया 1 + r² = r b² / ac। अब जरा ए सी को उधर ले जाओगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा b² r = ac 1 + r² तो जरा देखो बेटा कौन सा ऑप्शन सबसे सही ऑप्शन दिया हुआ है सारे ऑप्शंस में, तो आप लोग देख रहे हो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, तो देयरफॉर इन दिस प्रॉब्लम अगेन सी इज द करेक्ट आंसर। सिंपली काम क्या किया हम लोगों ने, जो जैसा दिया हुआ है उसी के हिसाब से रूट्स को सपोज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डेफिनेटली दीज क्वेश्चंस आर द वेरी बेसिक क्वेश्चंस, लेकिन इनका इस्तेमाल हम लोग एडवांस अप्रोच के क्वेश्चन की लेंगे तो उसमें इसको यूज करेंगे। देखो भाई बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये दिया हुआ है कि फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन द कंडीशन दैट वन रूट इज nth पावर ऑफ द अदर। अब देखो भाई
कह रहा है वन रूट दूसरे का एनथ पावर है। बट एनथ पावर का मतलब क्या हो गया कि अगर एक रूट अल्फा मानोगे तो ऑब्वियसली दूसरा रूट क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा टू द पावर एन हो जाएगा। एकदम सही सोच रहे हैं आप लोग। अगेन हमें क्या करना होता है, जो भी आंसर दिया हुआ है वो एबीसी में दिया हुआ है, सो वी हैव टू एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। और कैसे निकालते हैं बेटे, तरीका वही है कि सम और प्रोडक्ट का यूज करके। तो बच्चों सम की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे अल्फा प्लस अल्फा टू द पावर एन, ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन एन, और प्रोडक्ट क्या होगा अल्फा इंटू अल्फा टू द पावर एन इज इक्वल टू सी अपॉन। तो फाइनली कितना आ जाएगा बेटे, यहां से देखो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी सी अपॉन ए टू द पावर वन अपॉन एन प्लस वन। समझ में आ गया होगा बेटा, यहां पर देखो अल्फा और अल्फा की पावर एन जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा अल्फा की पावर एन प्लस वन, और अगर हम अल्फा को सब्जेक्ट बनाए तो सी अपॉन ए की पावर वन अपॉन एन प्लस वन आ जाएगा। बेटा हमने यहाँ पे ऐसा इसलिए किया, जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें देख रहे हो एक्सपोनेंट जो दी है वन अपॉन एन प्लस वन के फॉर्मेट में दी हुई है। अब देखो क्या करना बेटा, ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो, अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी अपॉन ए टू दी पावर वन अपॉन एन प्लस वन, सी अपॉन ए टू दी पावर एन अपॉन एन प्लस वन इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन एन। ठीक है, अच्छा आप देखिए यहां पर जो आंसर दिए हुए हैं वो ए सी या बी में जो भी दिए हैं वो न्यूमरेटर में ही है, डिनोमिनेटर किसी का मौजूद नहीं है। इसका मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे भाई, इसमें हम लोग सबसे पहले डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करना है। तो जरा देखो कैसे करेंगे, समझना मेरी बात को बेटा, यहां पर ए जो लिखा है सबको मल्टीप्लाई करो तो वही हो जाएगा ए सी अपॉन ए टू द पावर वन अपॉन एन प्लस वन प्लस ए सी अपॉन ए टू द पावर एन अपॉन एन प्लस वन प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को इसमें। देखो बेटा क्या करना होगा, इसमें ये बेटा ए लिखा हुआ है, अगर इस ए को हम लोग अंदर ले जाना चाहें, मैं चाह रहा हूं कि ये ए अंदर चला जाए, तो ये बेटा ए अंदर जाएगा तो इसकी एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे इसकी एक्सपोनेंट इस एक्सपोनेंट की रेसिप्रोकल होगी तो ये अंदर चला जाएगा। तो देखो बेटा अगले स्टेप पे मैंने क्या किया, अगले स्टेप पे इसको मैंने अंदर भेजा है, तो देखो अंदर आके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए टू द पावर एन प्लस वन इंटू सी अपॉन ए वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, प्लस देखो बेटा क्या हुआ, एक बार जरा और देख लो, यहां पर जितने भी प्रॉब्लम जो ऑप्शन दिए हुए वन अपॉन एन प्लस वन में दिए हुए, तो ये जो एन लिखा हुआ है मैं क्या कर रहा हूं, इस एन को दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूं, इस पर भी दे दे रहा हूं और इसको भी दे रहा हूं। अगेन ये ए अंदर जा रहा है, ये हो जाएगा ए टू द पावर एन प्लस वन सी टू द पावर एन ए टू द पावर एन होल पावर वन अपॉन एन प्लस वन प्लस बी बराबर जीरो। अब तो पिक्चर क्लियर हो गई तुम्हारे सामने, ये बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए टू द पावर एन इन टू सी की पावर वन अपॉन एन प्लस वन प्लस ए सी टू द पावर एन वन अपॉन एन प्लस वन प्लस बी बराबर। तो देखो बेटा कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सी बात थी, ध्यान रखना है प्रॉब्लम को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, सिमिलर क्वेश्चन जो हैं वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
थोड़ा बहुत बेसिक कंसेप्ट और लगा दिया जाता है, बाकी कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, मैं फिर बात को अपने आगे बढ़ाने जा रहा हूं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। Now but we are going to formation of new equation with the help of roots of given equation. Last time हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन किया था, जल्दी से मैं बता दे रहा हूँ कि इसके क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट किए जाते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। देखो बेटा, मैंने कहा था अगर कोई इक्वेशन फॉर्म करनी हो जिसके रूट अल्फा और बीटा हो, तो भाई आप क्या कहते थे, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर बी। ठीक है, ऐसे कह सकते हो जाएगा एक्स स्क्वायर ठीक है ना, या एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू जीरो, ये इक्वेशन होती है अगर रूट्स पता है। तो सिंपली रूट हम अल्फा बीटा पता है, उनका जोड़ निकाल लें, प्रोडक्ट निकाल लें, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आंसर आ जाता है। लेकिन बेटा जो यहां प्रॉब्लम है तुम्हारे सामने, यहां पर क्या दिया हुआ है कि एक इक्वेशन के रूट पता है, हमें वो इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स जो हैं वो कुछ उसी रूट से कनेक्टेड हो। तो जरा पहला क्वेश्चन देखते हैं, बेटा यहां पर दिया हुआ है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर। ठीक है, अच्छी बात है। तो इसका मतलब पहली बात तुमने जान ली कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी अपॉन दिया है और अल्फा बीटा सी अपॉन ए दिया हुआ। लेकिन आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि भाई उस इक्वेशन को फॉर्म करो जिसके रूट माइनस अल्फा और माइनस बीटा है। तो माइनस अल्फा और माइनस बीटा का मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसका कहूं सम तो कितना होगा, सब कहोगे माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो माइनस कॉमन ले लोगे अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा मुझे पहले से पता है तो ये हो जाएगा बी अपॉन ए। ओके, फिर देखो बेटा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना होगा माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा, मतलब ये अल्फा बीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा सी अपॉन ए। ठीक बेटा, इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो आप क्या कहोगे, इक्वेशन होगी रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट बराबर जीरो। ये कितना आ जाएगा, सम बेटा कितना है बी अपॉन ए, प्रोडक्ट कितना है अल्फा बीटा बराबर टू। ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स अल्फा बीटा की जगह सी अपॉन ए ना, तो ये हो जाएगा प्लस सी इक्वल्स टू। देखो भाई यहां पर जो क्वेश्चन है, देखिए भाई बेटा यहां पर एक ट्रिक भी छोटी सी इस्तेमाल होती है। आपको दिखाई पड़ रहा है कि जो रूट अल्फा बीटा है इसके रूट्स हैं वो नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, अगर ये रूट अल्फा बीटा है तो ये माइनस अल्फा माइनस बीटा, मतलब जो गिवन रूट थे उसके नेगेटिव रूट्स, जो इक्वेशन फॉर्म करनी है उसके रूट गिवन रूट्स के नेगेटिव रूट्स हैं। तो बच्चों क्या तरीका होता है इसका, इसका तरीका ये होता है कि जो है जो गिवन इक्वेशन है उसको एक्स को सिंपली माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, तो तुम्हें इक्वेशन वही मिल जाएगी जो तुमने काम करके बनाया था। जब चेक करो देखो ये कितना बेटा, ए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस एक्स प्लस सी बराबर, ये कितना आ गया ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर। ये बेटा कौन सी इक्वेशन है, ये वो इक्वेशन है जिसके रूट माइनस अल्फा और माइनस बीटा होता है।
यहां देखो बेटा वही चीज लिख ली, तो ध्यान रखना डायरेक्ट अगर मैं तुमसे कहूं कि रूट्स जो हैं वो एक गिवन इक्वेशन के जो रूट है उसके नेगेटिव है, तो सिंपली एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दोगे तो तुम्हारे सामने आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में स्विच कर रहे हैं बेटा हम लोग। बेटा अगला क्वेश्चन है, यहां पर रूट जो दिए हुए हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, वही दी हुई है और आपको वो इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसमें रूट अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के, मतलब दोनों रूट में एक कांस्टेंट बढ़ता जा रहा है। देखो भाई हमारे पास तो दिया ही हुआ है ना, पहले भी दिया था कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होगा और अल्फा बीटा सी अपॉन ए होगा, ठीक है ना। अच्छा अब क्या करना है, हमें वो इक्वेशन निकाली जिसके रूट ये और ये हो, तो बेटा इन दोनों रूट का सम कितना होगा, कहोगे अल्फा प्लस बीटा प्लस टू के। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है कितनी है, माइनस बी अपॉन ए प्लस टू। बेटा प्रोडक्ट कितना होगा रूट्स का, तो आप कहोगे प्रोडक्ट होगा अल्फा प्लस के इंटू बीटा प्लस के, ये कितना हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस के टाइम अल्फा प्लस बीटा प्लस के स्क्वायर। बेटा अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है, सी अपॉन ए, और ये क्या हो जाएगा माइनस के बी अपॉन ए प्लस के स्क्वायर। तो बेटा रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम, सम कितना है माइनस बी अपॉन ए प्लस टू के इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना है सी अपॉन ए माइनस के बी अपॉन ए प्लस के स्क्वायर बराबर जीरो। ठीक है, थोड़ा सा इसको ब्यूटीफुल बना लो, तो ब्यूटीफुल बना के क्या मिल जाएगी, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस टू के माइनस बी टू ए के माइनस बी एक्स प्लस ए के स्क्वायर माइनस बी के प्लस सी बराबर है। ठीक है ना, तो बेटा ये तुम्हारी कंडीशन हो गई कि ए एक्स स्क्वायर, कंडीशन क्या मतलब ये इक्वेशन हो गई जिसके रूट अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के होंगे, जहां पे अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ ओल्ड इक्वेशन जो दी हुए थे। अच्छा अब आपके मन में आएगा सर क्या इसकी कोई ट्रिक है, यस, और जरा देखते ट्रिक क्या है, इस इक्वेशन को सामने देखते रहो, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी ट्रिक। देखो ट्रिक क्या है भाई, ट्रिक ये है कि अल्फा प्लस के बीटा प्लस के है तो सिंपली एक्स को एक्स माइनस के से रिप्लेस कर दो, कहां पर जो गिवन इक्वेशन दी हुई है। बेटा अगर तुमसे कहा जाए कि किसी कांस्टेंट से रूट ज्यादा है तो जो नई जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी जो आंसर चाहिए होगा उसमें बेटा क्या करो, एक्स को एक्स माइनस के से रिप्लेस कर दो। अब देखो क्या होगा, इक्वेशन बन जाएगी ए एक्स माइनस के का होल स्क्वायर बी x माइनस के प्लस सी बराबर जीरो। जल्दी ओपन करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी के प्लस सी बराबर जीरो। देखो बेटा मैं जल्दी से पेयरिंग कर ले रहा हूं, देखो ए एक्स स्क्वायर तो चार अकेला रहेगा प्लस देखो ए टू के एक्स और बी एक्स, हमने एक्स कॉमन लिया कितना हो गया, यहां पर एक्स ले लोगे तो आ जाएगा बी माइनस टू ए के और प्लस ए के स्क्वायर माइनस बी के प्लस सी बराबर। देखो बेटा ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, कैसे सेम है, सिर्फ यहां माइनस का डिफरेंस है, तो अगर इससे माइनस कॉमन ले लोगे यहां पर तो अपने आप ही तुम्हें माइनस टू ए के माइनस बी एक्स मिल जाएगा।
तो आपको ट्रिक समझ में आ गई। आपने क्या देखा कि अगर मैं तुमसे कहूं कि एक इक्वेशन जिसके रूट अल्फा और बीटा है, हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट अल्फा प्लस के बीटा प्लस के हो, तो सिंपली क्या करोगे, एक्स की जगह पर एक्स माइनस के लिख दोगे। मान लो मैं तुमसे कहूं कि रूट अल्फा माइनस एच और बीटा माइनस एच है, तो एक्स को क्या कर दोगे, एक्स को एक्स प्लस एच से रिप्लेस कर दोगे। मतलब जो यहां पर अगर कॉन्स्टेंट प्लस में है तो x को माइनस से रिप्लेस करोगे वो कॉन्स्टेंट, और अगर माइनस में है तो प्लस से रिप्लेस करोगे। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। इस ट्रिक को ध्यान रखना है, मैं पूरा क्वेश्चन इसे सॉल्व करके दिखा रहा हूं जिससे कि आपको ये कंसेप्ट जो है ये मन में ना रहे कि भाई आया कैसे, सबने तो ऐसे जुगाड़ बता दिया, पता नहीं सही है गलत है, तो उसको मैं आपके सामने वेरीफाई भी करा दे रहा हूं जिससे मन में आपके कोई भी संशय ना रहे। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। बेटा मैं बात को आगे बढ़ाने जा रहा हूं। अगली प्रॉब्लम तुम्हारे सामने क्या है, कह रहा अल्फा ही चीज है कि अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूट दिए हैं, हमें वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट टू अल्फा और टू बीटा दिए हैं। जब हमने सबसे पहली बात सीखी थी, पहली बात क्या सीखी थी, अगर कोई रूट पहले के नेगेटिव है तो सिंपली एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर आंसर मिल जा रहा था। दूसरी बात हमने सीखी थी कि अगर अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के हैं तो एक्स को एक्स माइनस के से रिप्लेस करने पर जो इक्वेशन मिलेगी वो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। यहां पर वही तरीका है, टू अल्फा और टू बीटा है, क्या करना होगा, सबसे पहले डिटेल में निकालेंगे इक्वेशन और उसके बाद उसकी ट्रिक पर डिस्कस करेंगे। जरा देखो बेटा, सम तो वही होगा, माने अल्फा प्लस बीटा ये माइनस बी अपॉन ए होगा और अल्फा बीटा जो होगा वो सी अपॉन ए होगा। अब जरा देखो भाई, हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोगों को यहां पर सम निकालना है जो इक्वेशन दी हुई है, सम कितना होगा, टू अल्फा प्लस टू बीटा, मतलब टू अल्फा प्लस बीटा माने टू माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट कितना होगा, टू अल्फा इंटू टू बीटा मतलब फोर सी अपॉन ए। ठीक है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बननी चाहिए थी, तो आप कहते रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर जीरो यूज करेंगे। सम कितना दिया है बेटा, सम दिया हुआ है माइनस, तो प्लस हो जाएगा 2b upon ax और प्रोडक्ट कितना दिया है प्लस 4c upon a बराबर जीरो, कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c बराबर जीरो। अब आपके मन में आएगा कि सर इसकी ट्रिक क्या है, कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करें जो आंसर मिल जाए। तो मैंने क्या कहा भाई, तुम्हें रूट टू टाइम्स निकालने हैं, तो क्या करो, जितने टाइम निकालने हो उसको उतने से डिवाइड कर दो, माने x को x by 2 से रिप्लेस कर दो। मान लो 3 अल्फा 3 बीटा निकालने होते हैं तो x को x by 3 से रिप्लेस कर देते हैं। मान लो n अल्फा और n बीटा निकालना है तो x को x by n से रिप्लेस कर देना, ध्यान रहेगा आप लोगों को। चलो देखो, इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन तुम्हारी ये दी है, इसमें क्या करोगे, x को x by 2 से रिप्लेस कर दो, इक्वेशन क्या बन जाएगी, बन जाएगी a x by 2 का होल स्क्वायर प्लस b x by 2 प्लस c बराबर 0। ये कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा a x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस b x अपॉन 2 प्लस c बराबर 0। जब 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 से मल्टीप्लाई करने में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a x स्क्वायर प्लस 2 b x प्लस 4c बराबर 0। बेटा ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपको दिखाई पड़ रहा है कि दोनों इक्वेशंस क्या हैं, बोथ द इक्वेशंस आर सेम, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू इक्वेशन। तो ये जो ट्रिक मैंने सीखी आप लोगों को समझ में आ गई, ट्रिक ये कहती है कि अगर कोई भी इक्वेशन के रूट पता है और हमें वो इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट गिवन इक्वेशन के रूट के सम
मल्टीपल हूँ, जैसे 2α3 और 2β है, 3α3β है, तो बेटा क्या करना होगा कि जितना मल्टीपल हो x को डिवाइड उससे करके गिवन इक्वेशन में उसको रिप्लेस कर दो, तो यू विल हैव दी आंसर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, भूलोगे तो नहीं। तो तीसरी बात हमने यहां पे सीखी कि अगर रूट m अल्फा और m बीटा दिए हुए हैं तो x को x बाई m से रिप्लेस करने पर इक्वेशन मिल जाएगी, वो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, चलो भाई मैं फिर बात को आगे बढ़ाने जा रहा हूं। देखो बेटा, हम लोगों ने तीन चीजें सीख ली हैं, अब चौथी चीज सीखने जा रहे हैं। देखो भाई, यहां पर अल्फा बाय 3 और बीटा बाय 3 है, ट्रिक याद है ना आपको करना है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा बाय 3 एंड बीटा बाय 3। इसका मतलब क्या करोगे, सिंपली एक्स को एक्स 1/3 दैट इज 3x से रिप्लेस कर दो। देखो बेटा, जो यहां पे नंबर मल्टीप्लाई होता था, मल्टीप्लाई से तो डिवाइड करते थे ना, तो यहां पे 1/3 है, जब 1/3 डिवाइड करो 3 ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम व्हाट विल वी डू, सिंपली हम लोग x को 3x से रिप्लेस कर दें, तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ, आंसर आ जाएगा 9ax² + 3bx + c बराबर। चाहो तो चेक कर लो, रूट क्या निकालने हैं, अल्फा बाई 3 प्लस बीटा बाई 3, तो ये सब इतना हो जाएगा ना, मतलब -b/3a हो जाएगा। रूट कितना होगा, 1/9 अल्फा बीटा, मतलब 1/9c/3। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या बन जाएगी, x² - s, s कितना है बेटा, ये प्लस हो जाएगा, b/3ax + c/9a, जब मल्टीप्लाई करोगे 9 से a से तो बेटा क्वेश्चन क्या बनेगी, ये तो मिल जाएगी। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो ट्रिक है वो एकदम सर ने सही बताई हुई है, ध्यान रखना आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच कर रहे हैं बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अब हमें रूट्स जो हैं अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट दिए हैं, हमें कौन सी फॉर्म करनी है जिसके रूट अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। जरा देखो बेटा, सम कितना होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा। आपको ये तो पता ही है ना कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a, और अल्फा बीटा c/a होता है ना। तो भाई देखो, सम की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2αβ। अल्फा प्लस बीटा कितना है, -b/a, तो b² / a² -2c/a, ये कितना आ जाएगा, b² - 2ac/a². ठीक है ना, प्रोडक्ट कितना होगा बेटा, प्रोडक्ट का हो गया α² * β² मतलब ये हो गया अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा c² / a². तो बच्चों इक्वेशन क्या हो जाएगी, आप कहोगे इक्वेशन होगी x² - sx + p = 0। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया x² s की वैल्यू कितनी है बेटा, b² - 2ac/a² x + प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, c² / a² ये कितनी आ जाएगी, आ जाएगी a² x² - b² - 2ac x + c² = 0। आपके मन में एक विचार आएगा कि सर जिस तरीके से अभी आपने ट्रिक बताई थी, क्या कोई ऐसी ट्रिक है जिससे हम ये पता कर पाए कि एक दी हुई इक्वेशन के जिसके रूट पता है और हमें वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है
जिसके रूट जो है वो इस दिए हुए इक्वेशन के रूट के स्क्वायर हो, तो क्या ट्रिक रहेगी? तो देखो बेटा, इसका तरीका सिंपल सा वही है कि अगर कभी भी तुम्हें ऐसा दिखाई पड़ जाए कि अल्फा बीटा रूट है और इसकी पावर कुछ नहीं है, तो क्या करो बेटा, एक्स को एक्स की पावर हाफ से रिप्लेस कर दो। समझ आई बात नहीं आई? मतलब यहां पे अल्फा स्क्वायर लिखा बेटा, तो आप क्या करोगे, अल्फा स्क्वायर को आप लोग अंडर रूट वाला, मतलब अल्फा को अंडर रूट अल्फा माना जा रहा है ना, इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग क्या करेंगे, वी विल चेंज एक्स बाई रूट एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, अगर रूट जो है वो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर थे, तो बेटा मैंने क्या किया, एक्स को अंडर रूट एक्स से रिप्लेस कर दिया, किसमें, इसी क्वेश्चन में। भाई क्या हो जाएगा, देखो ए अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट एक्स प्लस सी बराबर, मतलब हो जाएगा बेटा ए एक्स प्लस बी रूट एक्स प्लस सी बराबर जीरो। लेकिन बेटा आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यों, क्योंकि अंडर रूट एक्स आ गया है, तो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हम लोगों को अंडर रूट हटाना पड़ेगा। क्या करेंगे, ए एक्स प्लस सी इक्वल्स टू माइनस बी रूट एक्स हो गया, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने कितना आएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए सी एक्स इक्वल्स टू बी स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अब जरा देखो मैं क्या कर रहा हूं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इसको जल लिया बेटा, वो माइनस कॉमन ले लिया, माइनस एक्स कॉमन ले लिया इसमें और इसमें, तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस टू ए सी एक्स प्लस सी स्क्वायर बराबर। आप देख सकते हो बेटा ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों कैसी इक्वेशन है, सेम इक्वेशन है। तो तुमने एक ट्रिक सीख ली कि अगर कभी भी किसी इक्वेशन के रूट पता है और आपको पता करना है कि दूसरी इक्वेशन जिसके रूट उसकी कुछ पावर दी होंगी तो कैसे निकालेंगे, इसका तरीका होता है कि जो भी वेरिएबल दिया हुआ है उसकी वन बाई जो भी एक्सपोनेंट दिए उससे रिप्लेस कर दीजिए और फाइनली उस सर्ड जो मौजूद होगी उसको गायब कर दीजिए, तो यू विल हैव द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो चौथी बेटा मैंने बात देख ली कि अगर रूट अल्फा बीटा है और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालना है, एक्स को अंडर रूट एक्स से रिप्लेस करना पड़ेगा। इन द सेम मैनर अगर अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब दिए तो क्या करना पड़ेगा, हाँ एकदम सही था, आप लोग दिमाग सही लगा रहे हो, ये एक्स की पावर 1/3 और वाई एक्स को एक्स पावर 1/3 से रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। ये बात क्लियर तुम लोगों को? देखो बेटा ये ट्रिक ध्यान में रखना, अभी इसके बाद में हम लोग उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, उन पर डिस्कशन रहेगा। बेटा आप लोग बात करने जा रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि कोई रूट जो दिए हुए हैं, अब हम बात करने जा रहे हैं कि जैसे अभी मैंने देखा कि अल्फा बीटा थे, माइनस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस के बीटा प्लस के, टू अल्फा टू बीटा, अल्फा बाई टू बीटा बाई टू और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। क्या बेटा कभी ऐसा पॉसिबल है कि रूट जो है वो अगर एक के अल्फा बीटा हो दूसरे के कितना हो, इसके रेसिप्रोकल हो, तो वो कंडीशन क्या होगी? तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि कंडीशन फॉर रेसिप्रोकल रूट्स। रेसिप्रोकल रूट्स का मतलब क्या हो गया कि अगर अल्फा बीटा एक इक्वेशन दी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जिसमें ए जीरो नहीं है, हमसे कहा जा रहा है कि वो इक्वेशन फॉर्म करो जिसके रूट 1/α और 1/β है।
ठीक है। देखो भाई अभी सिंपल ट्रिक से की है उसी को यहां अप्लाई करने जा रहे हैं। सिंपली क्या करिए कि कभी भी अगर रेसिप्रोकल रूट निकालने हैं एक्स को वन अपॉन एक्स से रिप्लेस कर दो तो जो इक्वेशन आएगी उसके रूट्स क्या होंगे, अगर इसके अल्फा बीटा है तो उसके वन अपॉन अल्फा वन अपॉन बीटा होंगे। ठीक है चलो भाई देखो ये कितना हो जाएगा, ए वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी वन अपॉन एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये तो हो गया। ठीक है भाई कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी बराबर जीरो, मतलब हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर जीरो। तो देखो बताया क्या हो गया, ये वो इक्वेशन निकल आई जिसकी रूट इस इक्वेशन के रूट के रेसिप्रोकल होंगे। तो बेटा यहां पर एक बात करी जा रही है कि तुम्हारे सामने दो इक्वेशन दी हुई है, कौन कौन सी, ये बात में तुमको समझ में आ गई ना कि रेसिप्रोकल रूट होने के लिए इक्वेशन क्या होगी। आप चाहो तो सिंपल भी कर सकते हो, कि मारो ट्रिक ध्यान ना रखो तो इस चीज को समझो कि मैंने क्या किया हुआ है। देखो बेटा सम कितना होगा इस इक्वेशन के लिए, वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा होगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा और बीटा कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट कितना होता है सी अपॉन ए, मतलब माइनस बी अपॉन सी। बड़ा प्रोडक्ट कितना होगा, वन अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, तो हो जाएगा ए अपॉन सी। ठीक है ना, अभी क्वेश्चन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट माइनस बी अपॉन सी एक्स हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ए अपॉन सी बराबर मल्टीप्लाई करो कितना आया सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर। बेटा भाई क्वेश्चन मिले नहीं मिलेंगे, हाँ इसका मतलब कह सकते हो कि इन दोनों के पोजीशन चेंज करने पर जो इक्वेशन मिलेगी उसके रूट क्या होंगे, इस रूट के रेसिप्रोकल होंगे। तो देखो बेटा हम लोग उस पर बात करने जा रहे हैं कहां पर, कि दो इक्वेशन तुम्हारे सामने दी हुई है और दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट्स में ऐसा रिलेशन एस्टेब्लिश करना है कि दोनों इक्वेशन के रूट जो हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हों। अभी मैंने आपको बताया था ना बेटा कि अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि इसके रूट अल्फा बीटा हो और इसके रूट वन अपॉन अल्फा वन अपॉन बीटा हो, क्या करना चाहिए, देखो कितना आसान तरीका है बेटा, इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है तो मैं तुमसे कहूं कि वो इक्वेशन क्या होगी जिसके रूट वन अपॉन अल्फा वन अपॉन बीटा होंगे। तो अभी जैसा मैंने पहले डिस्कस किया था कि सिंपली इनकी प्लेस चेंज कर दो तो क्या जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर जीरो, वो इक्वेशन है जिसके रूट वन अपॉन अल्फा वन अपॉन बीटा है। देखो बेटा ये इक्वेशन जो है इसके रूट वन अपॉन अल्फा वन अपॉन बीटा है, और बच्चों जरा इसको देखो ये इक्वेशन कौन सी है, ये इक्वेशन भी वही है जिसके रूट वन अपॉन अल्फा और वन अपॉन बीटा है। इसका मतलब ये दोनों जो इक्वेशन दी हुई है इन दोनों इक्वेशन में कोई अंतर नहीं है, अंतर नहीं मतलब ये दोनों इक्वेशन आर सेम इक्वेशन। अभी क्या होगा बेटा, ये दोनों इक्वेशन सेम है तो इसका मतलब हो गया कि इनके, एक बार ध्यान रखना बेटा, अगर दो इक्वेशन सेम होती हैं तो उनके कोफिशिएंट्स जो है वो प्रोपोर्शन में होते हैं। तो देखो बेटा मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या हो गई, सेम इक्वेशन है तो इनके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में हो जाएंगे, मतलब सी अपॉन ए डैश इज इक्वल टू बी अपॉन बी डैश इज इक्वल टू ए अपॉन This is the required condition. समझ में आपकी बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है
बेटा नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं अबाउट द कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स का मतलब बेटा क्या है, दो बातें हो सकती है बेटा, कि कॉमन का मतलब क्या हो गया कि दोनों रूट सेम हो, मतलब दोनों रूट कॉमन हो। तो जब बेटा दोनों रूट कॉमन होंगे तो अभी मैं बता चुका हूं कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों रूट कॉमन है, इसका मतलब जो दो इक्वेशन होंगी वो सेम इक्वेशन होंगी और उनके कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शन में होंगे। जैसे मैं तुमसे कह दूं कि एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो और ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश बराबर जीरो हो। मैंने कहा कि बोथ दी रूट्स आर कॉमन, इसका मतलब बेटा क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि दोनों इक्वेशन सेम इक्वेशन है, डिफरेंस सिर्फ कोफिशिएंट की वैल्यू का हो सकता है। मतलब यदि ये a है तो ये 2a हो सकता है, मतलब प्रोपोर्शनिटी मेंटेन रहेगी। जिसका मतलब क्या हो गया, a अपॉन a डैश इक्वल्स टू b अपॉन b डैश इक्वल टू c अपॉन c डैश। तो बेटा अगर दोनों रूट कॉमन होते हैं तो दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट हमेशा प्रोपोर्शनल होंगे। बात समझ में आ गई। तो बेटा हमने कॉमन रूट्स में सबसे पहले बात करी है कि जब दोनों रूट कॉमन है, तो दिस इज द केस वन व्हेन बोथ द रूट्स आर कॉमन। अगर दोनों रूट कॉमन है तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम लोगों ने यहां पर सीख लिया। ठीक है, बात को मैं बेटा आगे बढ़ाऊं। देखो अभी भी हमारे सामने क्या दी हुई है, व्हेन नेक्स्ट कंडीशन है केस नंबर टू, व्हेन ओनली वन रूट इज कॉमन। बेटा वन रूट कॉमन का मतलब क्या हो गया कि तुम्हारे सामने दो इक्वेशन दी है। पहली इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, दूसरी है ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश बराबर जीरो। नाउ यू हैव टू इक्वेशन और आपसे कहा जा रहा है कि दोनों इक्वेशन में बेटा एक रूट जो है वो दोनों में कॉमन है। दोनों कॉमन का मतलब क्या हुआ कि मैंने माना कि इसका रूट अल्फा बीटा है और इसका रूट अल्फा बीटा डैश है। तुमने देखा क्या देखा, तुमने देखा कि एक रूट अल्फा इसमें है और अल्फा इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसा हो सकता है ना भाई, अरे मैंने कहा कि एक इक्वेशन है जिसके रूट टू और थ्री है और मैंने कहा एक इक्वेशन ऐसी जिसके रूट टू और सिक्स है, तो पॉसिबल हो गई ना। तो भाई बात यहां पे है, मैंने क्या कहा बेटे, मैंने कहा कि एक रूट अल्फा है दूसरा बीटा और दूसरी इक्वेशन में अल्फा और बीटा डैश, मतलब इसमें एक रूट अल्फा दोनों में कॉमन है। नाउ वी आर एस्टैब्लिश ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश कि दोनों में एक रूट कॉमन हो जाए। और बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको हमें याद करना है, उसके लिए ट्रिक याद बनाई गई है, उस ट्रिक को याद रख के आप लोग कॉमन रूट वाले क्वेश्चन को डायरेक्टली अटेंड कर सकते हैं। तो आइए जरा देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना है। उससे पहले कंडीशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो देखो बेटा मैंने कहा कि इसका रूट अल्फा है, इसका मतलब क्या हो गया ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर जीरो। बट ऐसा क्या है ए डैश अल्फा स्क्वायर बी डैश अल्फा प्लस सी डैश बराबर जीरो, ठीक है ना। अरे भाई दोनों को अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है ना, वही मैंने लिख दिया। अभी देखो हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा था, छोटे बच्चे थे जब हम लोग, यस। तो क्या करते हैं बेटा, यहां पर एक साइकिल बना देते हैं ऐसे यू, इस तरीके की, ठीक है। क्या करते हैं, इनके कोफिशिएंट्स को विद देयर रिस्पेक्टिव साइन लिखते हैं। तो बेटा देखो क्या हो, पहले है बी फिर सी फिर ए फिर बी, मतलब साइकिल को कंप्लीट करना है। कैसे समझो, पहले बी लिखा ये प्लस बी है प्लस सी प्लस ए फिर प्लस बी, साइकिल को कंप्लीट करना है। ये काम बेटा नीचे करो, ये कितना हो जाएगा बी डैश सी डैश ए डैश फिर बी डैश। बेटा ये जो वैल्यू देगा वो अल्फा स्क्वायर की मिलेगी, इस सिम को ये अल्फा और ये वन, तुम्हें याद होगा
कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करते थे। देखो बेटा पहले ये मल्टीप्लिकेशन करिए, ये मल्टीप्लिकेशन करिए, ये मल्टीप्लिकेशन करिए, ये कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन बी सी डैश माइनस बी डैश सी, अल्फा अपॉन सी ए डैश माइनस सी डैश इज इक्वल टू वन अपॉन ए बी डैश माइनस ए बी। नाउ वी नीड टू एस्टेब्लिश अ रिलेशन। तो मैंने बताया था बेटा कि रिलेशन कैसे निकालते हैं, यहां से अल्फा को एलिमिनेट करके जो रिलेशन मिलेगा वही रिक्वायर्ड रिलेशन होगा। तो भाई कैसे निकाला जाए, तो बेटा इससे अल्फा क्यों निकाल दो इन दोनों को यूज करके, और इससे और इसको यूज करके अल्फा स्क्वायर निकाल दो। पहले से जो अल्फा निकाला है उसको इसमें रख देना, अल्फा स्क्वायर गायब हो जाएगा और जो रिलेशन बन के आएगा वही रिक्वायर्ड रिलेशन होगा। देखो बेटा आगे मैं क्या करने जा रहा हूं, तो यहां से निकलेगा अल्फा बराबर सी ए डैश माइनस सी डैश ए अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश, और अल्फा स्क्वायर का निकला बेटा, अल्फा स्क्वायर निकला बी सी डैश माइनस बी डैश सी अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश। कोई दिक्कत हो नहीं बेटा, ये अल्फा की वैल्यू यहां पर रख दो क्योंकि इसका स्क्वायर है और फाइनली सॉल्व करने जा रहे हैं। ऊपर बेटा मैं बिगाड़ दे रहा हूं, देखो भाई ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा सी ए डैश माइनस सी डैश ए अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी डैश माइनस बी डैश सी अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी। बेटा ये स्क्वायर है तो सॉल्व करो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सी ए डैश माइनस सी डैश ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी डैश माइनस बी डैश सी और ए बी डैश माइनस ए डैश बी। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर वन रूट इज कॉमन इन बोथ द इक्वेशन। बेटा ध्यान कर लो, अब आप कहोगे ध्यान कर लो, इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसे कैसे याद कर लेंगे, ये तो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि भाई इसको याद करने की कोई ट्रिक है, हाँ ट्रिक है बेटा। सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मैंने किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अल्फा को एलिमिनेट किया हुआ है, आई थिंक सबको क्लियर हो गया। ये रिलेशन आपके सामने लिखा हुआ है और आपको अब एक ट्रिक की रिक्वायरमेंट है कि हाउ टू लर्न दिस एक्सप्रेशन, और जरा देखते हैं फटाफट कि इस जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको किस तरीके से हम लोग लर्न कर सकते हैं। तो देखो बेटा इसको लर्न करने के लिए वी रिक्वायर्ड दी गिवन इक्वेशंस। पहली क्वेश्चन बेटा क्या दी थी, पहली क्वेश्चन दी थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, और दूसरी क्या थी ए डैश एक्स स्क्वायर बी डैश एक्स प्लस सी डैश बराबर जीरो। देखो बेटा कैसे याद करेंगे, सबसे पहले काम क्या करो, ए से स्टार्ट करना, पहला भाई शुरू में ये है ना, देखो पहले लिखो ए बी सी फिर ए, लिख दिया ए बी सी फिर ए, यहां बेटा दूसरे रख के लिखो ए डैश बी डैश सी डैश फिर ए डैश, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा जरा देखो बेटा ये लाइन जो कहती है, ये लाइन जो है तुम्हारी रिपीटेड लाइन है, बोलो ना, रिपीट का मतलब होता है दूसरी बार दो बार। अब जरा ध्यान रखो, तो पहले क्या होगा बेटा इनको माइनस इनको, देखो ए बी डैश माइनस बी ए डैश, ये क्या होगा बेटा बी सी डैश माइनस सी बी डैश, ठीक है। जैसे ही बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो ये लाइन रिपीटेड है, तो रिपीटेड होने का मतलब क्या हो गया भाई, दो बार, दो बार का मतलब सी ए डैश माइनस ए सी डैश का। जरा देखो क्या ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन क्या सेम है क्या, यस सेम लग रहा है। देखो कैसे बेटा सी ए डैश माइनस सी डैश ए का होल स्क्वायर सी ए डैश माइनस ए सी डैश का होल स्क्वायर,
बी सी डैश माइनस बी डैश सी, बी सी डैश माइनस सी बी, सी बी डैश बची लिखी हुई है, ए बी डैश माइनस ए डैश बी। तो आपके सामने याद हो गया कि भाई अगर कोई कॉमन रूट दिया हुआ है तो इक्वेशन को वो कंडीशन को किस तरीके से लर्न किया जाएगा, उसके लिए आपके सामने ये एक मेमोरी चार्ट बना हुआ है। इस चीज को बेटा याद रखोगे तो फायदे में रहोगे। अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं कॉमन रूट्स के ऊपर कि किस तरीके से कॉमन रूट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। जल्दी से इसको फटाफट एक बार ध्यान से देखो, और अगर तुम्हें ट्रिक अच्छी लगी हुई है तो कम से कम प्लीज एक लाइक तो कर दो। मैं देखता हूं कि देख बहुत सारे लोग रहे हैं लेकिन लाइक बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो अगर आपको ट्रिक अच्छी लग रही है जो भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है तो इसको आप लोग लाइक जरूर करिए, तो उससे मनोबल बढ़ता है टीचर का कि हाँ जो बच्चे देख रहे हैं जो पढ़ रहे हैं उनको कुछ अच्छा समझ में आ रहा है। देखिए भाई अब हम लोग जो हैं कुछ इस पर बेस्ड प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। देखो बेटा आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन ए बी सी सो दैट टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट। देखो बेटा यहां पर तुरंत उसी ट्रिक पे नहीं दौड़ पड़ना है। कुछ क्वेश्चन बेटा ऐसे होते हैं कि जो हम लोगों ने प्रीवियस से पढ़ा हुआ है हो सकता है वो कंसेप्ट लग जाए, लेकिन जनरली होता क्या है, जनरली होता ये है कि बेटा जब बच्चे किसी चीज को पढ़ रहे होते हैं तो उनके दिमाग में लगता है कि वही चल रहा है। ऐसे ही बेटा एक बार इंटरव्यू में एक बच्चे से पूछा गया कि भाई एक जो गूंगा आदमी है वो पानी कैसे मांगेगा, तो उसने कहा भाई ऐसे मांगेगा। उसे बोला कि भाई एक गूंगा आदमी जो है वो खाना कैसे मांगेगा, तो उसने कहा भाई ऐसे करेगा भूखा है। फिर उन्होंने क्वेश्चन किया भाई एक अंधा आदमी वो कैंची कैसे मांगेगा, तो जो इंटरव्यू दे रहा था उसने कहा ऐसे मांगेगा। तो जो इंटरव्यूअर था उसने कहा कि भाई अंधा है वो गूंगा तो नहीं है ना, तो कैची वो बोल के नहीं मांग सकता है। यस वही चीज यहां पर जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि कॉमन रूट के बारे में बात हो रही थी और उसकी हमने ट्रिक बता दी, तुमको समझ में आ गई, तुमने याद कर लिया। लेकिन बेटा क्या होगा कि यहां पर जो प्रॉब्लम है वो दूसरी है वैसे ही, लेकिन कुछ इसमें स्पेशल काम करना पड़ेगा। जरा ध्यान से देखो बेटा कह रहा है कि इसका एक रूट कॉमन है तो ए बी सी में रिलेशन निकालना है। ठीक है जरा देखो भाई, सबसे पहले जरा बेटा इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट देखो, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है, तो आप कहोगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, मतलब माइनस एट आया बेटा। माइनस एट क्या हो गया, नेगेटिव। जब नेगेटिव रियल नंबर है तो इसके रूट कैसे होंगे बेटा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी, मतलब ए प्लस आई बी होगा तो दूसरा रूट क्या होगा, ए माइनस आई बी। मतलब ये हमेशा पेयर में लाई करते हैं, पता ना तुम लोगों को, इमेजिनरी रूट्स। अगर यहां पर आपका एक कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स और कौन से टर्म रियल है, तो हमेशा ये रूट्स जो होते हैं वो हमेशा पेयर मिलाई करते हैं। मतलब अगर एक ए प्लस आई बी है तो पक्का है दूसरा रूट ए माइनस आई बी होगा। ठीक है ना, अब जरा देखो बेटा इसका एक रूट इमेजिनरी है, दूसरा भी इमेजिनरी है, और दूसरों दूसरे एक दूसरे बेटा क्या है, रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट्स, है ना। तो बेटा कहा जा रहा है कि इसमें और इसमें एक रूट कॉमन है, और आपको पता है कि इमेजिनरी रूट हमेशा पेयर में लाई करती हैं। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि इसके रूट ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी है, मान लीजिए इसका कोई एक रूट कॉमन आ गया, मान लीजिए ए प्लस आई बी है, मैंने कहा भाई इसका रूट ए प्लस आई बी है, तो ये बात पक्की होगी दूसरा रूट ए माइनस आई बी होगा। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो गया, ये इक्वेशन के जो दो रूट होंगे और इस इक्वेशन के दोनों रूट कॉमन है,
एक रूट तो उन्होंने बोला ही बोला, लेकिन इसके रूट इमेजिनरी रूट्स हैं, इस वजह से इन दोनों इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, दोनों कॉमन होंगे। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि बेटा ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आइडेंटिकल हैं, एक जैसी हैं, कोई अंतर नहीं है। और इसका मतलब क्या हो गया कि जब दोनों रूट कॉमन है, इसका मतलब इनके कोफिशिएंट जो होंगे वो किसमें होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास में आ गया कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो और एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो आइडेंटिकल इक्वेशन है। और बच्चों आपको पता है कि जब दो इक्वेशन आइडेंटिकल होती हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, इनके कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शन में हो जाते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। इसको क्या मान लिया, इसको के मान लिया, ए बराबर कितना आ गया k, b बराबर 2k, c बराबर 3k, ये क्या शो कर रहा है 1 2 3, ये क्या शो कर रहा है बेटा, ये शो कर रहा है कि a b c जो है r in a p, मतलब ऐसे कह सकते हो 2b बराबर a plus c। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन टू बोथ द इक्वेशन हैव वन रूट कॉमन। समझ में आ गया ना भाई आप लोगों को, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आप लोगों को कि भाई सबसे पहले ऐसा नहीं कि सीधे कॉमन कंडीशन वाली लगाना शुरू कर दो। अगर इसके रूट इमेजिनरी हैं तो हम लोग उस चीज को भी यूज, उस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, अगर समझ में आ गया है तो वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ये जो दो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हुए हैं ये आपके इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं, और फटाफट देखते हैं सोल्यूशन। यहां पर देखो बेटा, यहां पे लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो और फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स नाइन बराबर जीरो हैव अ कॉमन रूट। बेटा इसके कॉमन रूट दिए हुए हैं, क्या करना होगा, कॉमन रूट का कंसेप्ट लगाना होगा। नहीं, मैंने कहा था दो मिनट रुक जाना, जो इक्वेशन जिसके कोफिशिएंट न्यूमेरिक दिए हुए हैं सिंपली उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, हो सकता है फायदा मिल जाए। बेटा इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा, तो आप कहोगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, आप देख रहे हो बेटा नेगेटिव आ रहा है ना, इसका मतलब क्या होगा बेटा, वही कहानी कि ये इक्वेशन के दोनों रूट इमेजिनरी होंगे, तो अगर एक रूट इसका और एक रूट इसका कॉमन है तो इसका मतलब दूसरा रूट भी कॉमन होगा, मतलब दोनों इक्वेशंस कैसी है बेटा, दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल है। वही काम कर लो बेटा, सिंपली कैसे बताओगे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन बराबर जीरो, ये क्या जाएगा ए अपॉन फोर बराबर बी अपॉन सिक्स, ए सिक्स लिखा है बेटा, बराबर सी अपॉन नाइन, ठीक है। क्या करना होता है, इसको के मान लेना होता है ना, एक वैल्यू कितनी आ गई फोर के, बी की वैल्यू सिक्स के और सी की वैल्यू नाइन के। देखो फोर सिक्स नाइन, बेटा सिक्स बाई फोर कितना होता है, यस थ्री बाई टू, नाइन बाई सिक्स थ्री बाई टू, देख रहे हो ना, इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, ये कह सकते हैं कि अगर देखो एक अमाउंट देख लो बेटा, इसका स्क्वायर करो कितना हो गया 36 के स्क्वायर, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 36 के स्क्वायर, इसका मतलब ए बी सी किसमें हो गए, जीपी में हो गए। दिस इंप्लाई ऐसे तो सिंस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, हेंस ए बी सी आर इन जीपी, बेटा ये जीपी में हो गए, और जीपी होने का मतलब क्या हो गया, हाँ हाँ जीपी हो गया, और क्या, तो रिलेशन निकल आया, रिलेशन बिटवीन एबीसी क्या कहोगे, एबीसी आर इन जीपी। नाउ द अदर पार्ट इज वी नीड टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, हमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी, मिनिमम वैल्यू। तो भाई जरा पहले ए प्लस बी प्लस सी करो बेटा, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, नौ छह पंद्रह और चार उन्नीस के। अच्छा जरा देखो यहां पर एक बात बेटा ऊपर दी हुई है,
एबीसी जो है वो क्या दिया हुआ है, एबीसी एक नेचुरल नंबर दिया, मतलब एबीसी जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है ना। इसका मतलब बेटा क्या होगा कि ए प्लस बी प्लस सी जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, हाँ या ना। तो बात यहां पे आ रही है कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो देखो बेटा ए प्लस बी प्लस सी क्या है 19 के, ठीक है, और के क्या है बेटा, जब a प्लस बी प्लस सी तीनों नेचुरल नंबर हैं तो इनका जोड़ भी क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। इसका मतलब क्या होगा बेटा, जो k की वैल्यू है वो क्या होगी, एक या एक से बड़ी होगी, मानते नहीं मानते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि a प्लस बी प्लस सी जो है तो जीरो से तो बड़ा ऑलरेडी होगा, लेकिन यहां पर 19 k दिया हुआ है और k की वैल्यू क्या है बेटा, k भी एक इंटीजर है, इसका मतलब ये 1 से बड़ा हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी क्या है, 19 से बड़ा या बराबर है। जब a प्लस बी प्लस सी 19 से बड़ा या बराबर है तो सबसे छोटा क्या हो सकता है, 19। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी कितनी हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी विल बी 19। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को इसमें, अगर कोई कंफ्यूजन किसी को होता है तो कमेंट बॉक्स में आप इसको जरूर पूछिएगा कि सर ये बात जो आपने बताई मुझे समझ में नहीं आई। फिर से देख लो, a प्लस बी प्लस सी नेचुरल नंबर्स हैं तो इसका मतलब इनका सम तो बात है कि पक्का पॉजिटिव होगा, लेकिन पॉजिटिव में कितना होगा उसको कैसे सर्च करेंगे। तो मैंने कहा भाई a प्लस बी प्लस सी 19 के है और k क्या है, वो भी तो नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि भाई नेचुरल नंबर का सम एक नेचुरल नंबर ही तो होगा और तो कुछ नहीं होगा। इसका मतलब k जो होगा वो 1 से बड़ा या बराबर होगा, तो फाइनली a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, 19 से बड़ी हो जाएगी ना या बराबर हो जाएगी। कब बराबर होगी, जब k की वैल्यू 1 होगी, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई 19। तो हमारे सामने आ गया कि a प्लस बी प्लस सी की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई 19 हो गई, ठीक है बेटे। मैं बात उधर आगे बढ़ाने जा रहा हूं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाओ। नेक्स्ट प्रॉब्लम तुम्हारे सामने क्या कह रही है कि दो कोऑर्डिनेट इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर जीरो और एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी बराबर जीरो हैव अ कॉमन रूट। साथ ही साथ ये भी दिया हुआ है कि p और q बराबर नहीं है, आपको p प्लस क्यू प्लस वन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है भाई। क्या करोगे इसमें, समझो मेरी बात को बेटा। यहां पर देखो p q के बारे में कोई जानकारी नहीं है, सिंपली सिर्फ ये लिखा है कि p और q आपस में बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो डिस्क्रिमिनेंट निकालने वाला कंसेप्ट था वो यहां पर फायदा नहीं देगा। तो अभी क्या करना है बेटा, सिंपली वही कंसेप्ट लगाना है कि पहली क्वेश्चन क्या दी हुई है, पहली क्वेश्चन दी है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू और दूसरी दी है एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी, इनका वन रूट कॉमन है तो सीधे वन रूट कॉमन की कंडीशन लगा दो। कौन सा तरीका, वही स्टार्ट करो, वन पी क्यू फिर वन, वन क्यू पी फिर वन, ये कितना आएगा बेटा, ये क्यू माइनस पी, मैंने बताया ना यू माइनस यू, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू माइनस पी होल स्क्वायर, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, देखो बेटा ये हो जाएगा क्यू माइनस पी, क्यू माइनस पी क्यू प्लस पी, यहां माइनस कॉमन ले लो, बराबर q माइनस पी होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। q माइनस पी होल स्क्वायर जो है कॉमन ले लीजिए उधर ले जाके, तो कितना हो जाएगा, वन प्लस पी प्लस q बराबर जीरो। बेटा देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि p q के बराबर नहीं है, तो जब p q के बराबर नहीं तो ये तो जीरो हो नहीं सकता है, काम खत्म। इसका बचा कौन,
बचा वन प्लस पी प्लस क्यू, वहां से क्या आ गया पी प्लस क्यू प्लस वन बराबर, ठीक है। तो हमारे सामने ऑप्शन क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू प्लस वन, तो आप कहोगे इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया जीरो, ठीक है। समझ में आ गई बात उन लोगों को अच्छे से, देखो बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम तुम्हारे सामने है। इफ द टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके सामने दिए एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स प्लस टू पी इक्वल टू जीरो हैव अ कॉमन रूट, अगेन यहां देख लो बेटा यहां पर पी लिखा हुआ है, तो इस वजह से आर्बिट्री कॉन्सेप्ट होने की वजह से इसके बारे में हमें जान सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट वाला कंसेप्ट यूज करे कि ना, तो सिंपली यहां पर वन रूट कॉमन वाला कंसेप्ट यूज करने जा रहे हैं। तो बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले वही तरीका है, रूट कॉमन है तो वन माइनस इलेवन पी फिर वन, यहां पे वन माइनस फोर्टीन टू पी फिर वन। अभी क्या करना बेटा देखो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कितना हो जाएगा माइनस फोर्टीन प्लस इलेवन माइनस ट्वेंटी टू पी प्लस फोर्टीन पी इक्वल्स टू पी माइनस टू पी होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा माइनस थ्री और ये हो जाएगा माइनस एट पी इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है ना। तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू 24। देखो भाई ये पी पी कैंसिल कर दिया ना, गलत, जैसे बेटा तुमने किया ये गलत हो गया, क्यों, क्योंकि अगर आप ऐसा कैंसिल कर रहे हो तो यू आर एलिमिनेटिंग वन रूट वैल्यू ऑफ पी, तो बेटा कभी ऐसा नहीं करना है जब तक यहां पे श्योर ना हो कि पी की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, यहां तो कहीं लिखा नहीं है, तो सिंपली क्या होगा पी स्क्वायर बराबर 24 पी यूज करोगे, तो पी स्क्वायर माइनस 24 पी इक्वल टू जीरो, पी कॉमन ले लिया पी माइनस 24 इक्वल टू जीरो, तो पी इज इक्वल टू जीरो और पी इज इक्वल टू, ठीक है। एक रूट कॉमन होने पर आंसर क्या आ गया भाई कि पी की वैल्यू जीरो होगी या पी की वैल्यू 24 होगी। अब देखो उसके बाद बेटा पिक्चर बाकी है, पिक्चर में कह रहा है कॉमन रूट भी निकालना है, तो कॉमन रूट में पी बराबर जीरो को क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स बराबर जीरो और दूसरे में क्या रखा एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स बराबर जीरो, एक्स कॉमन हो गया एक्स माइनस इलेवन बराबर जीरो, यहां पर एक्स कॉमन हो गया एक्स माइनस फोर्टीन बराबर जीरो, तो दिखाई पड़ रहा है बेटा एक्स बराबर जीरो इसमें भी आ रहा है एक्स बराबर जीरो इसमें भी आ रहा है, तो जब पी की वैल्यू जीरो है तो उस कंडीशन में x बराबर जीरो इज अ कॉमन रूट, ठीक है। 24 बेटा जब यहां पर 24 रखोगे तो पहली क्वेश्चन क्या बन जाएगी, जब आपने 24 रखा तो पहली क्वेश्चन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स प्लस 24 बराबर जीरो और दूसरी क्वेश्चन क्या हो जाएगी, दूसरी क्वेश्चन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स प्लस 48 बराबर, ये कितना आ जाएगा भाई एक्स माइनस एट एक्स माइनस थ्री बराबर, यहां कितना आएगा, हां बोलिए यस एक्स माइनस एट एक्स माइनस सिक्स बराबर, तो आप देख रहे हो बेटा एक्स बराबर एट दोनों से मिल रहा है तो एक्स बराबर एट कॉमन रूट हो जाएगा, तो जब p की वैल्यू जीरो है तो कॉमन रूट जीरो है, जब p की वैल्यू 24 रखी थी तो कॉमन रूट एट, ठीक है ओके। तो आई थिंक आज की क्लास में जो डिस्कस किया गया वो आपको समझ में आ गया है, नेक्स्ट क्लास जो है आज हम लोग अपनी बात को ही समाप्त कर रहे हैं, नेक्स्ट जो क्लास होने वाली है उसमें हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस
और उसके ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको हम लोग सीखने के बाद में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी और वेरी कर्व मेथड सीखेंगे और उसे परफेक्शन करेंगे। तो भाई आज इतना ही रख रहे हैं, और सब लोगों को थैंक यू। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो उसमें अपने कमेंट जरूर लिखिएगा, उससे ही समझ में आता है कि तुम लोगों को जो भी पढ़ाया जा रहा है उससे तुम कितना लाभ उठा पा रहे हो। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।